वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ निहारी जो स्पेशल होते हैं जाड़े में, लोग खूब मज़े से खाते हैं मॉर्निंग में सुबह सुबह। इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है पर ये बहुत लजीज होता है। ऑयल हमने गरम कर लिए हैं, अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। प्याज मैंने गोश्त के अकॉर्डिंग ही लिया है, गोश्त हमारा 3 केजी है, प्याज मैंने 1.5 केजी लिया है। और इसमें ऑयल मैंने 250 ग्राम डाला है। आप जितना बनाएं उसके अकॉर्डिंग ही तेल और मसाले इसमें डालें। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। प्याज हल्के ही फ्राई करें, ज़्यादा काला देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए प्याज मेरे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ 100 ग्राम। 2 हाथ चला लूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। फिर मैं इसमें अदरक डालूँगी। अदरक मैंने ग्रेट करके लिया है, ये 50 ग्राम है। इसको भी मैं 2-3 हाथ चला लूँगी। अब मैं इसमें पाउडर मसाले ऐड करूँगी। ये रेड चिली है, 4 टेबल स्पून मैंने लिए हैं। ज़ीरा 2 टेबल स्पून, टर्मिक 2 टेबल स्पून, और उसके अकॉर्डिंग मैंने धनिया ले लिया है, और ये गोल मिर्च पाउडर है। अब मैं सारे मसाले को इसमें मिला लूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। निहारी बनने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपको खूब अच्छे से गला हुआ गोश्त चाहिए तो इसे 3 घंटा तक अच्छे से गलाएं। मैं पॉट में बना रही हूँ, आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में कम टाइम लगता है लेकिन लजीज पॉट का ही होता है। मसाले अच्छे से मैं भून लूँगी, तेल साइड में सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल करके थोड़ा और चला लूँगी। मैंने नमक तो 4 टेबल स्पून लिया है, बाद में टेस्ट करूँगी, अगर कम ज़्यादा लगेगा तो फिर मैं इसमें और ऐड करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से नमक डालें। पानी हल्का ही डालें मसाला पकने के लिए। ये देखिए मैंने गोश्त ले लिए, 3 केजी है गोश्त। इसे अच्छे से मैंने धो कर के साफ़ कर लिए, इसको छानने के लिए रख दिए थे। अब मैं इसमें गोश्त डालूँगी। इसको अच्छे से चारों तरफ मसाले में कोट कर दूंगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। अगर पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के मैसेज करें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। कोई रेसिपी चाहिए जो आपको देखना हो तो मुझे बताएं ताकि मैं उस पर वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। ढक करके मैंने गोश्त को पका लिया है, फिर उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है
फिर मैं इसे पका रही हूँ। ये देखिए हमारे गोश्त पक गए हैं, इसको मैंने थोड़ा और पानी डाल के ग्रेवी लगा लिया है मैंने। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाऊंगी। गोश्त हमारे लाजवाब बने हैं, ये देखिए हमारी निहारी बनके तैयार हो गए हैं। इसको मैंने तंदूरी रोटी के साथ मेहमान को सर्व किया है, इसका वीडियो भी मैं डालूंगी। अब इस पर धनिया पत्ती, हरी मिर्च और नींबू से मैंने गार्निश कर दिया है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दें। अगर हमारे चैनल ज़ेबा खान किचन में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये देखिए कितने लाजवाब बने हैं निहारी। अल्लाह हाफिज़।